हेलो एंड कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत आप सभी का एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब से ग्राउंड मेकिंग का काम चल रहा है, लगातार मैं आपको अपने इसी क्रिकेट जोन चैनल पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं और लगातार कोशिश मेरी यही है कि सारी इन्फॉर्मेशन क्रिकेट ग्राउंड मेकिंग से रिलेटेड आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ आज एक और टॉपिक आप सभी के सामने लेके आया हूँ। और जैसे कि आप सभी को पता है कि ग्रास इंस्टॉलिंग का काम थोड़ा सा रह गया है, इसी बीच मैंने सोचा एक टॉपिक बहुत ही मेन है उसके लिए उस पर आपके साथ चर्चा करूं। तो वो है कि हमारे पास जब ग्रास आती है इंस्टॉलिंग के लिए तो वो दो फॉर्म में आती है, मतलब एक तो कारपेट जो मैंने आपको दिखाया था और मैं आज आपको दूसरी फॉर्म में दिखाने वाला हूं जो टूटा हुआ घास होता है बिल्कुल, क्योंकि कारपेट तो पूरा मशीन से ज़मीन से बिल्कुल रोल उठाए जाते हैं मशीन से। और ये जो दूसरी फॉर्म का घास होता है जो मैंने आपको अब तक नहीं दिखाया, वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं, वो कैसा होता है वो दिखाऊंगा और दोनों में क्या फ़र्क होता है और कौन सा आपको लेना चाहिए और क्यों, उसके जो आपके रीजंस हैं वो बताऊंगा और फ़ायदे और नुकसान बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। तो ये वो ग्रास है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो कल आया है एक नए लॉट में। और आपको बताऊं, आपने कारपेट वाला ग्रास तो जो पुराने अपने व्यूअर्स हैं उन्होंने देखा होगा, जो नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये वो कारपेट ग्रास है जो हमने पहले मंगवाया था। मतलब ज़्यादातर जो अपने ग्राउंड में लगा हुआ है वो इस तरीके का कारपेट ग्रास है और आप खुद देख सकते हैं कि इसकी ग्रीनरी में और इस ग्रास की ग्रीनरी में जो टूटा हुआ ग्रास है इसमें कितना फ़र्क है। ये जो मैं बता रहा था आपको वीडियो के शुरुआत में कि ये मशीन से कारपेट का रोल बनाया जाता है और एज इट इज़ इसको उठा लिया जाता है और आप देखेंगे तो जड़ ग्रास की जो जड़ है और वो मिट्टी के समेत इसको उठाया जाता है, इसीलिए लंबे टाइम तक हरा रहता है। और ये अगर आप देखेंगे तो क्योंकि इसमें जड़ नहीं होती, मिट्टी भी बहुत कम होती है इस जड़ में और इसकी जड़ का भी मतलब कुछ पता नहीं होता ऊपर नीचे कहाँ पे है, इस वजह से ये आपको इतना सूखा हुआ ग्रास दिख रहा है। अगर बात करूँ कि कौन सा ग्रास लगाने में आसान है तो आपको बताऊँगा कि ये जो कारपेट का ग्रास है ये लगाने में आसान है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे मैं आराम से इसकी एक जड़ अगर निकालूंगा तो मुझे इसकी जड़ दिख रही है कि आराम से कि मैं इस तरीके से इसको इसकी जड़ ज़मीन में मिट्टी में लगा के आराम से इसको लगा सकता हूं। लेकिन अगर मैं इस ग्रास की बात करूं तो आप खुद देख सकते हैं कि कहां इसकी जड़ है, लगाने वाली लेबर भी काफ़ी इसमें टाइम लेती है और कन्फ्यूज़ रहती है कि कहाँ से मैं इसकी जड़ सीधी करूँ और कैसे लगा पाऊँ। दूसरी बात करूँ तो लाइफ, अगर इसकी लाइफ की बात करूँ, अगर ये आप अपने ग्राउंड पर मंगवा रहे हैं और 3-4-5 दिन 6 दिन भी अगर आप इसे नहीं लगा रहे हैं, मतलब लेट लगा रहे हैं, तो अगर ये पड़ा भी रहेगा तो ये इस पर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि इसके पास इसकी जड़ के पास मिट्टी है जो इसको इतना न्यूट्रिशन देती रहेगी कि ये चलता रहेगा। बल्कि इसके पास कोई मिट्टी नहीं है और इसकी जो ये जड़ें हैं जब इसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा मिट्टी से तो ये सूखना शुरू कर देंगे। जो मैंने आपको बता दिया कि लगाने में आसान ये वाला कारपेट है और ये लगाने में मुश्किल भी है और ये लॉन्ग लास्टिंग हरा भी रहता है और ये हरा भी नहीं रहता। लेकिन अगर आपको बताऊं जल्दी ग्रोथ करने की, वैसे तो मुझे बताया गया था कि ये वाला ग्रास जो है ये क्योंकि सिंगल मतलब पतला होता है तो जल्दी चलता है, तो इसके बजाय मुझे तो जो लगा मैं आपको बताऊँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि ये ग्रास जहाँ जहाँ भी मैंने लगाया है ये एज इट इज़ सेम के सेम ना तो सूखा और एकदम वहीं के वहीं हरा होता हुआ चला गया, बल्कि जहाँ जहाँ मैंने ये वाला ग्रास लगवाया है ये पहले तो सूखा, इसने टाइम लिया और जबकि बताया गया था कि ये टाइम कम लेता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, जो कारपेट वाला ग्रास था ये जल्दी चला और अभी भी चल रहा है। आप देखेंगे जहाँ जहाँ भी आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, वैसे मैं आपको दिखाऊंगा अभी वहाँ पे इस तरीके के छोटे छोटे गुच्छे इसके लगाए गए थे और वो बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं। अगले फ़ायदे की बात करूं तो जो आप ये लॉट देख रहे हैं ये आपको दिखने में और मतलब जो क्वांटिटी है वो इसकी ज़्यादा होगी, लेकिन जब इसको हम लगाना शुरू करेंगे तो ये बहुत कम एरिया में खप जाता है। बल्कि और इसके बजाय जो कारपेट होते हैं वो क्वांटिटी में तो कम होंगे, अगर जगह ये बहुत कम लेंगे अगर आप इनको रखेंगे जब, लेकिन इनकी क्वांटिटी जब आप इन्हें लगाएंगे तो ये ज़्यादा एरिया कवर करते हैं। क्योंकि शुरू में जो अपना लॉट आया था वो एक ट्रक आया था छोटा, जिस लोगों ने वीडियो नहीं देखी वो
डे वन ऑफ ग्रास इंस्टॉलिंग की, वो चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। उस दिन आपको पता लगा कितना लॉट आया था, और उसने अराउंड 10 बीघा अपना मतलब थोड़ा 40 to 50% अपना जो ग्राउंड है वो कवर किया था। और जिसके बाद हमने एक लॉट इस ग्रास का मंगवाया था, वो बहुत ही कम एरिया, मतलब आप समझिए कि 1 to 1.5 दिन में ही वो ग्रास ख़त्म हो गया था। तो एक तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लगाने में आसान नहीं है, और एक और बात इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वाले ग्रास में आपको पता लगा कि हाँ ये इस तरीके का, क्योंकि आपका जो ग्राउंड होगा तो इसी तरीके का ग्रास आपका बनेगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ग्रास की क्वालिटी क्या है, लेकिन इस ग्रास में आप क्वालिटी का पता नहीं लगा सकते। इसमें आपके कोई सिलेक्शन वन है, बरमूडा है, मुझे नहीं लगता कि आप इससे क्वालिटी का पता लगा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको साफ पता लग रहा है कि, क्योंकि ये तो मैं छोटा पीस, क्योंकि जो कारपेट्स हैं वो पुराने जो कहीं ज़मीन पर जमे हुए हैं वो मैं निकाल के लाया हूँ आपको वीडियो के लिए समझाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी सारे कारपेट्स जो हैं वो ग्रास की फॉर्म में लग चुके हैं। लेकिन जब पूरा कारपेट आप देखेंगे तो उससे पता लगता है कि हाँ, जब मेरा मेरे ग्राउंड का जो ग्रास है वो बड़ा हो जाएगा तो वो किस तरीके का दिखेगा, वो इससे आप समझ सकते हैं। ये कारपेट आपको आसानी से ये चीज़ सारी समझा देगा। तो ये था रिव्यू इन दोनों ग्रास के फॉर्म का। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप ग्रास इंस्टॉल करवाएं तब कारपेट फॉर्म में ही लें, इससे आपको क्वालिटी पता लगेगी। और जो मैंने आपको फ़ायदे बताए कि इसमें कौन सा फॉर्म आपको सही रहेगा लेने में, लॉन्ग लास्टिंग में रहेगा, जो आपके फ़ायदे में रहेगा, जो आपको नुकसान नहीं करेगा, तो वो कारपेट फॉर्म ही है। तो मैंने आपको बताया इन दोनों फॉर्म में से कौन सी फॉर्म आपके लिए बेस्ट रहेगी, उसके फ़ायदे नुकसान बताए। एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ग्रास लेंगे, हो सकता है आपको ये बताया जाए ग्रास वाले के थ्रू कि जो आपका पतला वाला ग्रास है ये आप लीजिए और इसे पतले पतले फॉर्म में लगाइए, ये जल्दी हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है, क्योंकि जो मैंने कारपेट में बड़े बड़े गुच्छे भी अपने लेबर से लगवाए वो भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, और उनसे ज़्यादा जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, वो कहते हैं कि पहले ग्रास सूखेगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद दोबारा जो फुटाव है वो शुरू होगा ग्रास की जड़ से। ऐसा कुछ नहीं होता, कि क्योंकि मैंने गुच्छे लगाए वो बिल्कुल सूखे नहीं, वो एज़ इट इज़ वहीं से आगे चल दिए और बहुत अच्छी ग्रोथ उन्होंने की। तो ऐसा मिथ अगर आपको कोई बताए तो मत पालना, जो कारपेट ग्रास है वो बहुत बेहतरीन रहता है, श्योरिटी रहती है, क्योंकि आप उसे अपने सामने अपनी आंखों से देखते हैं कि हाँ ये इस क्वालिटी ग्रास है और इस तरीके का वो होगा, और मेरे ग्राउंड में भी इसी तरीके का ग्रास वो चल रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और जो भी नया ग्राउंड बनाना है उसके साथ शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब करना क्रिकेट जोन को। थैंक यू।